गर्म पानी से नहाने की आदत है। और हाँ, नहाने का पानी ज्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। सुनो, पानी को थोड़ा सा गर्म करो, जरा दम लगा कर फूंक मारो। गॉन, तुम्हारी दोस्त ने तो हमारा सारा दम ही निकाल दिया। अब ठीक है, गर्म पानी में नहाने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिला है। अब जरा मेरी मसाज कर दो। बहुत धीरे धीरे करना, मैं बहुत सुंदर हूँ ना, इसलिए मुझे हल्के मसाज पसंद है। वाह, अब मुझे अच्छा लग रहा है। चलो अब फिर एक बार तारों की दुनिया से निशानियाँ इकट्ठे करने चलते हैं। क्या, ये क्या कह रही हो? पिको चल, हम इससे ज्यादा सामान नहीं उठा सकते। अगर मैंने एक भी चीज और उठाई तो मेरी कमर टूट जाएगी। ओहो, आजकल के लड़के भी ना जरा सी चीजें उठाते हैं, इनकी हवा निकल जाती है। इतनी सारी चीजों को तुम जरा सी चीज कह रही हो? अरे वाह, उस चमकते हुए तारे को मैं हर हाल में साथ ले जाऊंगी। बहुत हो गया, अब बस करो पीको चैन। बस मत करो, मुझे जल्दी से उस चमकते हुए तारे के पास ले चलो। ये बहुत भारी हो गया है। बस ये छोटा सा ले लेती हूँ। मैंने कहा था ना, ये बहुत भारी हो गया है। पीको चैन, उस टुकड़े को फेंक दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पीको चैन, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। पीको चैन, उस टुकड़े को जल्दी से फेंक दो। मैंने कहा ना, नहीं फेंकूंगी, चाहे जो भी हो जाए, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। अब पता नहीं क्या होगा। बाल बाल बच गई। बाल बच गया। अरे पीको चैन और तारों का राजकुमार कहाँ गया? बताओ मैं इस टुकड़े को कहाँ पर रखूं? वहाँ उस बड़े वाले के बिल्कुल बराबर में रख दो। ठीक है। हाँ? अरे कमाल है पीको चैन, मैं कितनी सुंदर हूँ। ठंड से बचाओ, आग जलाओ। ठंड ने तो बैंड बजा दी। बहुत ठंड है, ये आग भी बुझ गई। अब हम इसे दोबारा जलाएंगे कैसे? ये ठंड तो सही नहीं जा रही। आग जलाना होगा। फिकर नॉट अम्मा। हाँ? आग जलाने के लिए हमारे पास पत्थर है ना? सही कहा बेटा, हम पत्थरों को घिसकर आग जला लेंगे। अरे अम्मा जरा पत्थर तो देना। अभी देती हूँ, ये लो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आदमी ने आग की खोज किस तरह की थी। ये देखो। अरे पत्थर टूट गए। आग की खोज रह गई। अप्पा, अब आग जलाने के लिए घर में एक भी पत्थर नहीं है, अब क्या करें? आग जलाने के पत्थर, ऐसा एक भी पत्थर नजर नहीं आ रहा। ये कैसा पत्थर है? हाँ, तोते चैन किस्मत वाला है, उसके इतने बाल है कि उसे ठंडी नहीं लगती।
अम्मा अम्मा देखो, मुझे चमकने वाला पत्थर मिला। कौन हम ऐसे पत्थर ढूंढ रहे हैं जिनसे आग निकले? कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं, फेंक दो इसे, ये हमारे किसी काम का नहीं। अच्छा, अगर पीको यहाँ होती तो इस पत्थर को कभी नहीं फेंकती। हाँ, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, इस तरह हमें गर्मी मिलेगी। हम ऐसे एक दूसरे के साथ में रहेंगे, ठंड कम लगेगी। लेकिन अब हमेशा तो इस तरह नहीं रह सकते ना। बस बहुत हो गया, हम पत्थरों के भरोसे अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते, हमें किसी और तरीके से आग जलानी होगी। अप्पा, लकड़ी घुमाने से क्या होगा? ये क्या कर रहे हो? बस तुम देखते जाओ, मैं आग जला कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखना तुम, मैं जला कर ही रहूंगा। जल जा, 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 नहीं जल रही। जल जा, 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 जल जा। अप्पा, इससे भी कुछ नहीं हुआ है, लगता कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ने से हमारे शरीर में गर्मी आती है। लेकिन अप्पा, अगर हम इसी तरह दौड़ते रहे तो हम थक जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हम ऐसे ही थोड़ी दौड़ रहे हैं, हमें एक जगह पहुंचना है। हाँ, बस तुम देखते जाओ। शाबाश, हम पहुंचने वाले हैं। ज्वालामुखी के पास हमेशा गर्म पानी की झील होती है। देखो, हम पहुंच गए। अरे वाह, वाह, ये तो कमाल की जगह है। मजा आ गया, गर्म पानी की झील। धत्तेरी की। क्यों गान, गर्मी मिल रही है ना? मिल रही है, लेकिन चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो, वरना हमें इतनी गर्माहट भी नहीं मिलेगी। अप्पा, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ ज्यादा देर रह पाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि अगर बिना मेहनत किए गर्मी मिल रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है। माऊ, लगता है मेहमत मेरे हंसने से बुरा मान गए और चले गए। बिजली कड़क रही है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, हम इस आग को अपने घर ले चलेंगे। ये क्या बारिश आ गई। ये तो बुझ गई। आग का मुंह ठंडा हो गया। फिर बुझ गई। अब क्या करें? बिजली चमकाने वाले एजेंट, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए जो बारिश के एजेंट से डर रहे हो? अरे जल जा रहे। अरे अरे, अरे मैं तो रॉकेट बन गया। लो, ये आग भी बुझ गई। बिजली चमकाने की एजेंट, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये लो। लग गई। ओ हा, अरे वाह, मिल गया आइडिया। आ
अब देखो जरा मेरा कमाल। देखा अम्मा, अब आग जलाने के लिए हमें किसी पत्थर की जरूरत नहीं। ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह हम जितनी बार चाहें आग जला सकते हैं, वो भी कहीं भी कभी भी। ये लो। लेकिन अम्मा, मुझे इस चमकते पत्थर से बहुत दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, 10-20 बार आग जलाने के बाद तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन मेरे सर का तो बैंड बच जाएगा ना। कम से कम तुम्हें ठंड तो नहीं लगेगी। चलो अब आग जलाकर सोते हैं। लेकिन मुझे कैसे नींद आएगी। यूएफओ की अम्मा। अरे वो क्या था? लगता है कुछ गिरा। चलो देखते हैं। कभी कभी आसमान से खाना भी टपकता है, खाने की चीज लगती है। फिर तो मजा आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पत्थर मारने की? तुमने मुझे पत्थर मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब भाग कहाँ रहे हो? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। डरपोक कहीं के कहाँ तक भागोगे? रुक जाओ। ये क्या मुसीबत है? मैं कहता हूँ रुक जाओ, कहाँ तक भागोगे? अरे दर्द हो रहा है। तुम्हें लगता है तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे? कभी नहीं। अब हम क्या करें? अगर यही हाल रहा तो वो हमारा भरता फ्राई बना देगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझे? ये तो पीछे ही पड़ गया। तोते चैन, तुम ही कुछ करो, वरना हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। तोते चैन। बहुत हो गया, दम है तो हमला करो। मेरा झटका मुझे ही लगा। हम जीत गए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे चूजे मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? तोते चैन, जरा संभल कर रहना, लगता है झटका खाने से इसके दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया है। फिकर नॉट। रुक जाओ तोते चैन, गुदगुदी हो रही है। अरे वाह, लगता है दोनों को खेलने के लिए नया दोस्त मिल गया है। रुक जाओ। अब तो फंस गए। फंस गए ना, अब मुझसे भागकर कहाँ जाओगे? हमें छोड़ दो। दिल पे मतलब? तुमने मुझ पर पत्थर मारा था ना, मैं उसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमने सोचा था कि तुम खाने की चीज हो, इसलिए हमने पत्थर मार कर देखा था। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं भी बहुत समय से भूखा हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं कहती हूँ रुक जाओ, अगर तुम इन दोनों को खाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे खाना होगा। लेकिन अम्मा, आप क्या कर रही हैं? मुझे तो लगा था कि तुम इन दोनों के नए दोस्त हो, इसलिए इनके साथ खेल रहे हो। लेकिन मैं कितनी गलत थी? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम इन्हें खाना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझे खाना होगा, समझे? ये क्या हो गया? अम्मा, आप ऐसा क्यों कर रही है? तुम बीच में मत बोलो, इस मौके पर मुझे एक कदम उठाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा मत करो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जिद मत करो, अपनी अम्मा का कहना मानो। इस बार नहीं मानूंगा। मानना पड़ेगा। बच्चों को हमेशा अपनी अम्मा का कहना मानना चाहिए। चलो तुम जो करना चाहते हो करो। ये क्या है? ये तो रो रहा है। अम्मा, उसे क्या हो गया? उसके आंसू बह रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उसे अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही है, इसलिए रो रहा है। अम्मा, लेकिन तुम आए कहाँ से हो? मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन लगता है ये बहुत दूर से आया है। मुझे ऐसे लगता है कि इसने अपनी अम्मा को बहुत दुख पहुंचाया है। वो मेरा कितना ख्याल रखती थी, फिर भी मैं उससे कितना लड़ता था। मुझे नहीं खा रहा।
और फिर एक दिन मैंने अम्मोई से झगड़ा किया। सब मुझसे नफरत करते थे और इसीलिए मैं पूरी दुनिया में जैसे अकेला हो गया था। और जब मैं लौट कर एक दिन अपने घर आया तो अम्मोई, मैं आ गया। मैं जानता हूँ आप मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, मुझे माफ कर दो, अब मैं कोई शरारत नहीं करूंगा। अम्मोई, अम्मोई, आप कहाँ चली गई? अम्मोई, अम्मोई वापस आ जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अम्मोई, अम्मोई। और तब से तुम अपनी अम्मा को ढूंढ रहे हो, है ना? मैंने सही कहा ना? मुझे तुमसे हमदर्दी है। अरे ये क्या, अब रोना बंद करो। तोते चैन, तुम इसे चुप कराओ ना। अभी करता हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तोते चैन कुछ समय के लिए तुम्हारी अम्मा बन जाएगा जिससे तुम्हें दुख ना हो। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बेटे, आओ अम्मा के पास। नहीं, मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। कहाँ जा रहे हो बेटा? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। आ जा। दुनिया चाहे कोई भी हो, अम्मा सबकी अच्छी होती है। हम तो बुद्धू बन गए रे। अच्छा लग रहा है। मधुमक्खी, मधुमक्खी मेरे नाक पे बैठी थी। मधुमक्खी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, मेरे नाक पे बैठती है। अपने फटे आवाज में मधुमक्खी को मत डराओ, वो फूलों का रस चूसने आई थी, लेकिन उसे क्या पता कि फूलों के बीच कांटा लेटा है। लेकिन पीको वो तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी मधुमक्खी को बचाया, ये मेरे लिए शहद इकट्ठा करती है। अरे हाँ, ये रहा तुम्हारा इनाम। शुक्रिया चाचा जी। कितना मीठा है। तो ये शहद इकट्ठा करती है, यानी ये बड़े काम की है। मुझे भी कोई ऐसा जानवर चाहिए जो किसी काम आता हो। मैं तो हूँ। तुम्हें लगता है तुम किसी काम के हो? मुझे नहीं लगता तुम मेरे किसी काम के हो तोते चैन। क्योंकि तोते चैन तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। काम का जानवर कौन हो सकता है? ये तो अप्पा की आवाज है। वो शेर से लड़ रहे हैं, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। तोते चैन, मुझे जल्दी से फेंको। गौन, क्या हुआ तुम्हें? फिर आ गया? माफ करना भाई साहब, मेरा बेटा बीमार है इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो तुम्हें ऐसा जानवर चाहिए जो तुम्हारे काम आए? नहीं तो फिर तो सोचना पड़ेगा। देखो, हम कीड़े और मछली नहीं पाल सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो हमारा काम नहीं करेंगे बल्कि हमें उनका काम करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम किसी बड़े जानवर के बच्चे को पालते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं और हमारे लायक बना लेते हैं। क्या कहते हो? हाँ, जानवर का बच्चा, बच्चा, लेकिन कौन सी जानवर का बच्चा पाले? आओ, 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 आओ।
ये तो बहुत सारे हैं। बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके साथ उनके अम्मा अप्पा भी हैं। अगर हम बच्चे को उसके अम्मा अप्पा से अलग करेंगे तो वो उदास हो जाएगा। इसका मतलब हमें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिल पाएगा जो बिल्कुल अकेला है। अब ऐसा बच्चा हमें कहाँ मिलेगा जिसके अम्मा अप्पा ना हो? अरे तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी अम्मा नहीं है क्या? समझ गया, इसका मतलब तुम्हारे अम्मा पर नहीं है तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? गॉन, तोते चैन, कहाँ चले गए ये दोनों? जब देखो हमेशा कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। अम्मा मैं आ गया। क्या अब तुम इस रकून को पालोगे? हाँ मैं इसे पालूंगा और फिर इसे ट्रेनिंग दूंगा ताकि ये हमारे काम आ सके और हमारी मदद कर सके। लेकिन ये हमारे काम कैसे आएगा? बताता हूँ, ये रूप बदल बदल कर हमारी अलग अलग कामों में मदद करेगा। इस तरह और इस तरह, है ना? अच्छा आइडिया, तो मैं इसे पालू? बिल्कुल नहीं, तुम इसे फल इकट्ठे करने और शिकार करने के लिए पालना चाहते हो, है ना? जबकि ये सारे काम तुम्हें खुद करने चाहिए। हाँ। फौरन इस रकून को इसकी असली जगह पर छोड़ कर आओ। ठीक है, मैं इसे छोड़ कर आता हूँ। अरे हाँ, तुम इसे वापस छोड़ते हुए इसे कुछ तोहफे देकर विदा क्यों नहीं करते? तोहफे देकर विदा? हाँ, इसके लिए ये फल ले जाओ। और क्या चीजें देनी चाहिए? इसके छोटे पेट के लिए इतना बड़ा तोहफा? तो क्या हुआ, इसे तो और देना चाहिए। इसे ये मेहमत दे दो, ये मछली दे दो, ये फल दे दो, ये आलू दे दो, ये टमाटर दे दो। ये क्या कर रही हो अम्मा? ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब दे दो, सब ले जाओ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा ना तो भी चलेगा, सब ले जाओ। बहुत भारी हो गया है, चला नहीं जा रहा है। हाँ, इधर ले आओ, आ जाओ। अम्मा यहाँ क्यों आ गई? चलो बेटे जल्दी करो, इसे अंदर रखो, ये भी रखो, वो भी रखो, सब रखो। चलो बेटा अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ये आप क्या कह रही है? अच्छा बेटा, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमारा काम पूरा हो गया।